हेलो क्लास 12। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट रिएक्शंस को, लास्ट रिएक्शन ऑफ लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दैट इज आपकी बुक में अदर रिएक्शंस के नाम पे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे अदर रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कैलिजारो रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस जो आपने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी या एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो हम करवा रहे थे विथ अल्फा हाइड्रोजन। बट कैलिजारो रिएक्शन में जो रिएक्शन होंगी वो वहां पर होगी जहां पर दे डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि वो एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां पर हमें कैलिजारो रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। एंड ऑल्सो इस यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होगा किसका, एल्डिहाइड्स का, तो वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहीं एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो वो बनेंगे एल्कोहल्स। तो ये दोनों चीजें यहां पर होंगी इन वन प्रोसेस, जिसमें एक बार क्या होगा एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होगा तो वह एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। यहां पर मैं लिख ही देती हूं एल्डिहाइड्स, याद रखना आप इसे हमेशा, यही होता ही है। एल्डिहाइड्स को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन अगर आप उसे का कर रहे हैं सो वो क्या बनेगा, वो बन जाए, वो फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वहीं आप उसका रिडक्शन कर रहे हैं सो रिडक्शन करने में क्या बनते हैं एल्को, ठीक है। सो वही ये प्रोसेस यहां पर होने वाली है। और ये होगी किसके साथ, ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्काइल एल्कलाइन सॉल्यूशन। सो यहां पर हम कंसंट्रेटेड KOH का यूज कर रहे हैं। सो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि पहले तो वो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एक साथ जिसमें एल्डिहाइड ही है दोनों बार, उसका आप एक बार ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और वह इंडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। एंड किसके साथ हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड KOH। अगर आपको याद होगी एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या बोला था कि वो फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होगी, यानी HCHO में वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। क्यों, बिकॉज वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहां पर HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड में ही रिएक्शन होगी। सेम रीजन, बिकॉज यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कैलिजारो रिएक्शन होगी। एंड ऑल्सो बेंजल्डिहाइड्स में भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो रहा था, क्यों, सेम रीजन, वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, बट बेंजल्डिहाइड में भी कैलिजारो रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट हम भी यहाँ पर एल्कलाइन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, दैट इज KOH। अगर आपको याद होगा एल्डोल में हमने NaOH यूज किया था, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। यहाँ हम KOH यूज कर रहे हैं वो भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे पहले एक एल्कोहल मिलेगा हमें, एल्कोहल वी विल गेट अ एल्कोहल, एक एल्कोहल मिलेगा, मिथेनॉल मिला हुआ है हमें यहां पर। आफ्टर दैट एक क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। एक्चुअली सॉल्ट क्यों, किसका होगा, कार्बोक्सिलिक इसका ही सॉल्ट है तो कार्बोनिक सॉल्ट ही हमें वहां पर मिल रहा है। सो वो सॉल्ट हमें यहां पर कुछ फॉर्म होता हुआ मिलेगा, दैट इज दिस। तो ये एक पोटेशियम फॉर्मेट हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस वही है सिर्फ ये, बिकॉज मैं अभी बताती हूँ मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे सॉल्ट क्यों बन रहा है, बट वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, जो ये हुई कब, जब आपने इसको इसके साथ हीट किया, ठीक है। सो ये रिएक्शन है, दैट इज कैलिजारो रिएक्शन, जहां पे टू, हाँ ये भी याद रखें कि टू मोल्स कर रहे हैं, टू मोल्स क्यों कर रहे हैं, एल्डोल में याद है क्यों टू मोल्स किए थे, बिकॉज फर्स्ट तो उसी में हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, एंड नेक्स्ट वही बॉन्ड आकर एड हो जाता है। तो वहां यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, बट मैकेनिज्म मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा इजिली। सो फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH से, मैकेनिज्म देखो अभी तक। सो अब यहां से क्या होगा, एक OH माइनस निकल कर आएगा, अगेन OH माइनस को कहां पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के पास, तो वो इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा। अगर वो इस कार्बन से अटैच होता है, सो अगर आप यहाँ पे देखो, और इस तरीके से यहाँ पर H पहले से लगा हुआ है, ये
और एक एच पहले से लगा हुआ है, बट ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक हो गया, बिकॉज अगर ये OH इस कार्बन पे जाकर अटैच होगा तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन ये यहाँ पर ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है विद नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पर एक OH ग्रुप आकर अटैच हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या होगा, एक और एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, बिकॉज इन रिएक्शन आपके याद है आप दो एल्डिहाइड ग्रुप को यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक और एल्डिहाइड आएगा, एक और एल्डिहाइड यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक और एल्डिहाइड यहाँ पर आया। अब क्या होगा यहाँ पर, एंड इस एल्डिहाइड में बेटा क्या है, इस एल्डिहाइड में भी ये नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव, ये है पहले से ही है यहाँ पर। अब क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, ये नहीं रख पा रहा है, बहुत देर तक नहीं होल्ड कर सकता, फिर ये क्या करेगा, ये अंदर रिंग में वापस भेज देगा, बिकॉज अपने पास नहीं रख पा रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो रिंग में वापस भेज देगा। वो रिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेजेगा, अब बेटा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आप सोचो OH के साथ उसने अभी अभी बॉन्ड जोड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उससे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन है वो ज्यादा उसे स्टेबल यहाँ पे मिल रहा है। सो जो वीकली बॉन्डेड उसको कौन दिखाई दे रहा है, ये एच, कोई भी एक एच, ये वाला, ये वाला एक जो ये एच यहाँ इसके साथ लगा हुआ है वो इसे लूजली इसे दिखाई दे रहा है, तो वो इस एच को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, एंड ऑल्सो एच प्लस के फॉर्म में नहीं, ये यहाँ पर जो रिलीज होगा वो एच निगेटिव के फॉर्म में, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं ना कार्बन के पास, ये इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा थे उसने इधर दे दिया, अब उसके पास ज्यादा उधर है तो उसने इधर दे दिया, अब वो हाइड्रोजन का रखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो अब ये जो यहाँ पर एच माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड्स के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हुआ है, अब इसको पॉजिटिव साइन कहाँ दिखाई दे रहा है, अब देखो ये निगेटिव फॉर्म में, इसे पॉजिटिव इधर दिखाई दे रहा है, तो ये जाकर इस वाले हाइड्रोजन, सॉरी इस वाले कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा, और अगर वो इस वाले कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, अगर वो उसे अटैच करता भी है तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इन दिस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप जिसमें ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। सो आफ्टर दिस क्या बनेगा बेटा, कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने वापस से बॉन्ड दे दिए कार्बन को, जिसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो डबल बॉन्ड लग गया, ये OH पहले से ही लगा हुआ था, ये OH, अच्छा सॉरी ये एच नहीं होगा, बिकॉज एक एच तो इसको यहाँ से निकल चुका है ना, तो ये एच यहाँ पर नहीं है। ओके, 3-4, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ओके सॉरी वो 2H लगा दिए थे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि एक एच बचेगा, वो भी कैसे, बिकॉज एक एच यहाँ से पहले से ही रिप्लेस होकर जा चुका है। फाइन, सो कुछ एक तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वही दूसरी तरफ पहले 2H थे, अब वो एक एक एच आकर यहाँ पर अटैच हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, जिस वजह से एक नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑन दिस ऑक्सीजन। अब आपको क्या पूरे सिचुएशन में कहीं पॉजिटिव चार्ज का कुछ दिखाई दे रहा है, यस ऑफ कोर्स, दैट इज के प्लस, यहाँ पर के प्लस है, अभी भी वो यूज नहीं हुआ, तो ये के प्लस आएगा और इसके पास अरेंज हो जाएगा, क्योंकि वह अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन की वजह से वो वहां पर, बिकॉज माइनस प्लस चार्ज का है, एक अट्रैक्शन वहां पे फोर लग रहा है, जिस वजह से ये जाके इससे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली बेटा, अब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन क्या है, यहाँ पर ये एक एसिड की तरह वर्क करेगा, इट वर्क लाइक अ एसिड, और ये एक बेस की तरह वर्क होता है, तो जब भी एसिड एंड बेस रिएक्शन होती है तो वहां पर सॉल्ट बनेगा, राइट, तो वहां पर सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, ये जो एच है, एसिड क्या करता है, अपने अंदर से एच प्लस को रिमूव करता है, एच प्लस को रिप्लेस करता है, सो ये एच प्लस, ये एच यहां से रिमूव हो जाएगा और वो जाके अटैच होगा विद दिस ऑक्सीजन। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये जो फोटोन एक्सचेंज वाला काम क्यों हो रहा है, इसके प्रीवियस भी हमने एक रिएक्शन में किया था, मुझे बताना कि कहाँ पे हमने इसको किया है। सो फोटोन एक्सचेंज होगा यहाँ पर, एंड फोटोन एक्सचेंज होगा बिकॉज यहाँ पे क्या रीजन है, बिकॉज एसिड एंड बेस एट प्रेजेंट है, और एसिड और बेस ऑलवेज सॉल्ट बनाएंगे, सो यहाँ पर वो रिएक्शन होगी जिसमें से ये एसिड अपनी जो उसका कैरेक्टर है कि एच प्लस लूज करना, वो लूज करेगा और इस ऑक्सीजन के पास जाके वो अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3OH, ये बनाना था हमें मेथेनॉल, वो यहां पर हमको मिल गया। नेक्स्ट जो सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट किस तरीके से होगा, दैट इज कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ एक एच लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्डेड ओ भी है, ठीक है, थोड़ा सा आगे नीचे बना देती हूँ मैं, ये कार्बन जिसके साथ एक एच लगा हुआ है विद डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, एंड अब ये ओ के पास कौन आ जाएगा, ये के, ठीक है, जैसे ये इसको रिप्लेस करके जाएगा तो यहां पर कौन आके अटैच हो जाएगा,
ये के यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें जो पोटेशियम फॉर्मेट है वो यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, सो यही हमें इन रिएक्शन बनानी थी, जो आपको मैंने मैकेनिज्म समझाया कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। केनिज़ारो रिएक्शन है, केनिज़ारो रिएक्शन में कहाँ पर होती है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना होने की वजह से कुछ इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन करवाई है इन बेंजल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स के साथ में यहाँ क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज सेम रीजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ पर आएगा KOH, सॉरी यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन करवाई विद NaOH, सो नो प्रॉब्लम, हम कंसेंट्रेटेड एल्केली के साथ करवा रहे हैं तो NaOH के साथ हम करवा सकते हैं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो। सो कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ यहाँ पर आप रिएक्शन करवा रहे हो, क्या होगा OH, यहाँ से OH ही आएगा, एंड OH किस फॉर्म में आ रहा है, OH नेगेटिव, एंड इन दिस कार्बोनिल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स ये OH जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगा, जैसे ही वो इस वाले सॉरी कार्बन के साथ अटैच होगा, जैसे ही इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन ये ब्रेक हो जाएगा, एंड हमें जो मिलेगा लाइक दिस, यहाँ पर क्या होगा कि अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया बेटा कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं पता प्रॉपर, इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, सिर्फ ये जो रिंग है इसको ऐसे कर दिया, तो ये बेंजीन में लगी हुई है। इसके बाद देखो ये जो बॉन्ड था बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने की वजह से माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, OH ने इस पे अटैक किया तो OH अटैच है और H पहले से अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से वही मॉलिक्यूल आएगा, बिकॉज वो रिएक्शन हुई तो वहां पर टू मॉलिक्यूल्स यूज किए, तो टू मॉलिक्यूल्स यूज किए तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा और वो जाके इससे अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा जो कि कुछ इस तरीके से है, बेंजल्डिहाइड डबल बॉन्डेड ओ एंड एच। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर आएगा, अब होगा क्या, जो प्रीवियस हुआ था ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर नहीं पाया तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ बॉन्ड वापस करेगा, वापस जब वो कार्बन को बॉन्ड देगा तो कार्बन को आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी वो डबल बॉन्ड बना सकता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर लेगा और यहाँ से एच नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव रिलीज होगा तो उसको पॉजिटिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, अब इसे कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर इसके पास दिखाई दे रहा है, H पॉजिटिव साइन हमें उस वाले कार्बन के पास दिखाई दे रहा है, तो वो जाके नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बॉन्ड आगे की तरफ इसने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एच माइनस यहाँ से रिलीज हो गया, ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बन गया और OH ग्रुप लगा हुआ है, एच यहाँ से रिमूव हो चुका है, और जो रिमूव एच हुआ है वो किसके साथ जाकर अटैच हो गया, इस वाले कार्बन के साथ, और वहां पर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बेटा होगा क्या, यहाँ पर वही जैसे जो प्रीवियस आपने एसिड बेस रिएक्शन देखी, ये एसिड की तरह वर्क करेगा एसिड एंड ये वर्क करेगा एज अ बेस, सो एसिड एंड बेस जब बनेगा वर्क करेंगे तो वो क्या बनेंगे, हमें वहां पे सॉल्ट मिलेगा, एंड होगा क्या, ये जो एच है, ये जो यहाँ पर एच लगा हुआ है, ये एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये एच यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। हाँ, वन मोर थिंग ये बताना है उनकी यहाँ पर कि जब ये रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रही था, हमारे इस रिएक्शन में Na है ना, सो Na है तो यहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, सो अब क्या होगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन होगी, जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बताया था, सो एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से ये H इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और ये Na यहाँ पर आकर लग जाएगा। ठीक है, और जो हमें लास्ट स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए था वो हमें इन शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। सो ये दो रिएक्शन आपने देखी, केनिज़ारो रिएक्शन, एक हमने की फॉर्मेल्डिहाइड में, नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड में। नाउ लास्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, इस केमिकल रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली वो स्मॉल छोटी सी रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप में, एक कार्बोनिल ग्रुप में हो रही है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड बेसिकली आप इन्हें बेंजल्डिहाइड पे करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड को लिख देते हैं, सो बेंजल्डिहाइड, ओके, और यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, यहाँ पर इससे एक कार्बन और वो किससे अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एच। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप,
एंड इसके प्रीवियस भी हम बता चुके हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिंग के अंदर नहीं देगा, रिंग के अंदर नहीं देगा कि रिंग एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट कब होगी? जब ये सॉरी ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, ये इस कार्बन को दे दे और ये अपना बॉन्ड आने के लिए अंदर कार्बन दे दे, देन इस तरीके से एक रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। बट ये क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से बाहर पुल करेगा। तो तब जब ये ऐसा करेगा बेटा, सो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है विथ ऑक्सीजन, ये इसको बाहर निकाल लेगा। जब इसे बाहर निकालेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो बाहर निकाल दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड देन इसको बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए थे, पांचवी डबल बॉन्ड जो बना हुआ है वो ब्रेक होगा और देन वापस से स्ट्रक्चर बनेगा। मैं रेजोनेंस को इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि रेजोनेंस हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर अच्छी तरीके से रेजोनेंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर करने हैं। रिंग से आपने बाहर किए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेक्स्ट दिस एंड नेक्स्ट दिस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहे, तो इसके प्रीवियस लॉ पढ़ते थे कि जो ऑर्थो और जो पैरा कंडीशन है, बिकॉज इसके प्रीवियस जो आप पढ़े थे एल्कोहल एनॉल में, उसमें रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और रिंग एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको कहां मिलती है, ऑन द ऑर्थो पोजीशन, ऑन द पैरा पोजीशन। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग को क्या कर रहा है, वो रिंग को डीएक्टिवेटिंग कर रहा है। डीएक्टिवेटिंग मतलब रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पुल कर रहा है। तो एट दैट टाइम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एंड एट द मेटा कंडीशन, ये जो आपको मेटा पोजीशन दिखाई दे रही है, इस मेटा पोजीशन पे होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ विड्रॉ करेंगे, बाहर की तरफ विड्रॉ करेंगे। तो जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएंगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं आएगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब भी हम एनोटो ग्रुप को ऐड करेंगे, एनोटो ग्रुप आप जब ऐड करोगे तो वो ऐड होगा ऑन द मेटा पोजीशन। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड है जिसपे हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विथ HNO3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन करना है इसका HNO3, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड टेम्परेचर पे हम जब यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे। सो ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई हमारी ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन। तो एट द पैरा पोजीशन यहाँ पर क्या होगा, पैरा पोजीशन पर आकर कौन अटैच हो जाएगा, एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन आपने देखी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली आपको जो पूछा जाएगा कि हम मेटा पोजीशन पे क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज CH2 क्या है, सॉरी CHO क्या है, एल्डिहाइड्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी ज्यादा है वो कहां पर होगी, मेटा पोजीशन पे। इसीलिए NO2 ग्रुप कहां पर जाकर ऐड होंगे, ऑन द मेटा पोजीशन। सो फ्रॉम हेयर जो केमिकल रिएक्शंस हैं आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की वो कंप्लीट होती है। वी विल स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इन नेक्स्ट वीडियो।